Good morning, students. This is online classes conducted by Selgent School and College. And today we are going to start social study class 3rd, chapter 12, map and direction. It's a very interesting and very fruitful topic for you, because when we are going to a new place, तो आपको it's very difficult to find out any places, क्योंकि आपको वहाँ के बारे में कुछ आइडिया नहीं होता, फर्स्ट टाइम गए हो. सो उस टाइम पे हमारे लिए जो मैप होता है प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल. ठीक है, नाउ स्टार्ट द टॉपिक. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस टॉपिक विद अ स्टोरी. ठीक है, तो स्टोरी इज अ सीमा इज प्लानिंग टू विजिट हर फ्रेंड अनु फॉर द फर्स्ट टाइम. सीमा अपने घर अपनी फ्रेंड के घर जाने का प्लान कर रही है, वो भी फर्स्ट टाइम. ठीक है, एंड शी विल टेक द मेट्रो. उसने मेट्रो लिया एंड गेट ऑफ एट द स्टेशन. वो जो अनु के घर के पास सबसे पास में जो नियरेस्ट प्लेस था वहाँ पे उसने वहाँ तक गई. एंड हाउ विल शी फाइंड हर वे फ्रॉम द स्टेशन टू अनुज हाउस. इट्स प्रॉब्लम अब उसके सामने क्या है कि अब वो कैसे फाइंड आउट करके उसका घर कहाँ है. ठीक है, नियरेस्ट प्लेस तो पहुँच गई, बट जो पर्टिकुलर एरिया है वहाँ पे वो सब कैसे फाइंड आउट करेगी. अनु थॉट अबाउट दिस एंड क्विकली मेड अ ड्रॉइंग टू हेल्प हर फ्रेंड. और उसने क्या किया कि उसने फटाफट अपने फ्रेंड की हेल्प से एक मैप जो है स्केच जो है ड्रॉ किया. ठीक है, एरिया का. इट शोज दैट वे फ्रॉम द स्टेशन टू हर हाउस. और ये वो चीज़ शो करता है कि कैसे उसे स्टेशन से अपने फ्रेंड के घर तक जाना है. एंड सच अ रफ ड्रॉइंग ऑफ एन एरिया इज कॉल्ड स्केच. और इस तरह का जो रफ ड्रॉइंग होता है पर्टिकुलर किसी एरिया का, हम इसे स्केच कर कहते हैं. लुक एट द बोर्ड. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट टॉकिंग बिफोर द हेल्प ऑफ दिस पिक्चर. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि हमें मान लीजिए सीमा का ये मेट्रो स्टेशन है. ठीक है, यहाँ पर सीमा है. अब उसे अपने फ्रेंड के घर तक जाना है. ठीक है, उसकी फ्रेंड का घर यहाँ पर स्टेशन तक तो ईजिली आ गई, बिकॉज ये पॉपुलर एरिया है, ईजिली वहाँ पर जाने से आ गई. अब उसे उसके घर तक कैसे पहुँचना है, तो उसकी फ्रेंड ने उसे बताया कि यू कम विद दिस स्ट्रीट. ठीक है, आप हॉस्पिटल तक आएंगे, देन उसके बाद आपको जो है ऐसे टर्न होना है, स्ट्रीट आना है, देन यू कैन फाइंड आउट दिस प्लेस. ठीक है, तो इस तरीके से इसके आस पास का एरिया बताया कि आपको पहले मेट्रो स्टेशन के बाद हॉस्पिटल है, देन उसके बाद पार्क है, उसके बाद पिज्ज़ा शॉप है. ठीक है, पॉपुलर शॉप है और उसकी हेल्प से पूरी जो स्ट्रीट्स हैं. ठीक है, उनका इंट्रोडक्टरी ड्राइंग बना लिया और उसे बोलते हैं स्केच. नाउ व्हाट इज अ मैप. अ मैप इज अ एक्यूरेट ड्राइंग ऑफ एन एरिया. मैप क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर एरिया का एक्यूरेट ड्राइंग होता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे इंडिया का मैप है, आपने वर्ल्ड के मैप भी या लोग भी देखा होगा, तो यू कैन क्लियरली फाइंड आउट कि दिस इज द मैप. ठीक है, ये इंडिया का मैप है, तो ये एक्यूरेट ड्राइंग है. एंड इट मे शो अ नाइबरहुड. ये इससे क्या होता है, हमारी जो उस कंट्री है या जो प्लेस है जहाँ पर हमने मैप या स्केच ड्रॉ किया है, उसके आसपास के जो एरियाज होती है, विलेज है, टाउन है, सिटी है, उसका हम इजिली जो है स्केच करती हैं. एंड अ कंट्री एंड अ कॉन्टिनेंट और इवन द होल वर्ल्ड. ठीक है, यहाँ तक हम एक एक्यूरेट पोजिशन जानने के लिए मैप की हेल्प से पूरे होल वर्ल्ड का भी हमने ड्राइंग स्केच किया है. एंड इंडिया इज इन ग्रीन. और इस पिक्चर में आप देख रहे हो कि हमने यहाँ पे जो इंडिया का मैप है उसे ग्रीन से इंडिकेट किया है. एंड इंडियन ओशियन इज इन ब्लू एंड एरिया इज येलो बिलोंग्स टू द आवर नाइबरिंग कंट्रीज. येलो एरिया जो है वो हमारे नाइबरिंग कंट्रीज हैं. द पोजिशन ऑफ थिंग्स ऑन अ मैप आर मोर एक्यूरेट देन दोज ऑन ए स्केच. ठीक है, यहाँ पे इसकी जो पर्टिकुलर जो एरिया है उसकी जो स्केच है उसे एक्यूरेटली बनाने की कोशिश की जाती है. एंड स्केच डज नॉट टेल अस हाउ फॉर वन प्लेस इन्फॉर्म अनदर प्लेस. ठीक है, बट एक इम्पॉर्टेंट थिंग है कि स्केच की हेल्प से हम ये चीज नहीं आइडेंटिफाई कर पाते कि ये जैसे फॉर एग्जाम्पल सीमा मेट्रो स्टेशन से लेके अनु घर कितना लॉन्ग डिस्टेंस पे है, हाउ मेनी किलोमीटर. ठीक है, ये चीज़ हमें फाइंड आउट होती है, बट यहाँ पे एक लोकेशन का आइडिया होती है, रफली ड्राइंग होती है कि आपको स्ट्रीट जाना है, तो उसके बाद आपको पार्क मिलेगा, आपको पिज्ज़ा हाउस मिलेगा, उसके बाद जैसे बाद स्ट्रीट के बाद उसका हाउस होता है. रफली स्केच होता है, यहाँ पे डिस्टेंस का कोई भी इंडिकेशन नहीं होता है. एंड बट अ मैप डज, अ मैप हैज अ स्केल दैट हेल्प्स अस टू फाउंड अ डिस्टेंस बिटवीन प्लेस. बट मैप में क्या होता है, मैप में स्केल्स होती हैं और स्केल्स की हेल्प से हम ये जान सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो कितना है. ठीक है, तो स्केच में भी हम ये चीज़ फाइंड आउट नहीं कर सकते, बट हम मैप में एग्जैक्टली इस चीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं कि
यहाँ पे जैसे स्केल यहाँ पे क्या होता है मैपिंग स्केल ड्रॉ होती है साइड में 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप इज फॉर 1 किलोमीटर ठीक है 1 सेंटीमीटर से इंडिकेट करते हैं यहाँ पे 1 किलोमीटर से ठीक है 1 किलोमीटर से इंडिकेट करते हैं तो ईजिली आप उसको कैलकुलेट करके फाइंड आउट कर सकते हो कि वो जो पर्टिकुलर प्लेस है वो कितना डिस्टेंस पे है द स्कीमा एंड द जिम आर 1 सेंटीमीटर पार्ट ऑन द मैप एंड सो दे कैन एक्यूरेटली 1 किलोमीटर फ्रॉम अपार्ट ठीक है अगर वहाँ पे 1 सेंटीमीटर शो किया गया है कि सिनेमा हाउस में जिम का जो डिस्टेंस है वो 1 सेंटीमीटर है तो इट मीन्स 1 किलोमीटर ठीक है इंडिकेटली 1 किलोमीटर अ मैप इज यूजफुल टू अस इन मैनी वेज जो मैप होता है वो हमारे लिए बहुत डिफरेंट टाइप से यूजफुल है इट कैन एक्यूरेटली शो द पोजिशन ऑफ द प्लेस एंड रिवर्स माउंटेन रोड मैप में जो पर्टिकुलर जो भी जो एरिया होता है वो ईजली जो है शो ऑफ होता है वो एग्जैक्टली जहाँ पे होता है उसे वहीं पे इंडिकेट किया जाता है एंड इट हेल्प्स फाइंड आवर वे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस और ये हमें हेल्प करता है एक जगह से दूसरी जगह को फाइंड आउट करने में वी कैन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द थिंग शो ऑन द मैप ठीक है हम सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम उसके प्लेस के साथ साथ उसकी जो डिस्टेंस है वो भी एक्यूरेटली निकाल सकते हैं तो मैप जो बहुत ही यूजफुल है हमारे लिए एंड टुडे आपने मोबाइल फोन्स बहुत यूज़ करते हो यू कैन सी मैनी टाइम कि आपने जो गूगल मैप यूज़ करते हो गूगल मैप पे क्या होता है आपको पर्टिकुलर जो एरिया होता है उसका पूरा क्लियर पिक्चर्स होता है आसपास की जगह होते हैं स्ट्रीट होते हैं सबवेज होते हैं शॉप्स होती हैं वो सारा एग्जैक्टली क्लियर था और आप उसको जैसे जूम करते जाओगे आपको छोटे छोटे जो चीज़ें होती हैं वो भी ईजिली फाइंड आउट आती हैं तो इस तरीके से गूगल मैप है वो भी इसी कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डायरेक्शन डायरेक्शंस क्या होते हैं मैप अगर आपको रीड करना है तो डायरेक्शन इट्स मोर इम्पॉर्टेंट डायरेक्शन के लिए विच वे गो टू रीच अ वन प्लेस एंड देयर आर 4 मेन डायरेक्शन ठीक है डायरेक्शन के लिए विच वे इट मीन्स हम जिस प्लेस पे जिस वे पे जा रहे हैं वहाँ पे जो क्या होता है अगर डायरेक्शन की आपको नॉलेज है कि आप उनके को मैप है या स्विच वहाँ पे भी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ का जो कॉन्सेप्ट है उसको देते हैं फिर नेक्स्ट हमारे 4 डायरेक्शंस होते हैं तो फर्स्ट हमारा ये हो गया आपका नॉर्थ हो गया ठीक है इसके जस्ट अपोजिट साउथ हो गया वेस्ट एंड ईस्ट ठीक है ये 4 डायरेक्शंस हैं एंड यू कैन फाइंड द डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ द सन ठीक है फॉर एग्जाम्पल आपको ये नहीं पता कि नॉर्थ किधर है ठीक है आपको ये नहीं पता कि डायरेक्शन तो हमें क्या करना है जो सन का डायरेक्शन होता है जिस तरह से सन का उस तरह से अगर आप फेस करके छोड़े जाओगे तो यू कैन ईजिली फाइंड आउट ऑल दीज डायरेक्शंस ठीक है तो फर्स्ट क्या है कि यहाँ पे हमारा ईस्ट होगा सन का डायरेक्शन उधर होगा सन जो होता है आपको बहुत अच्छे से पता है कि ईस्ट से सनराइज होता है और हमारा नॉर्थ में जाके सनसेट होता है तो जो सन की तरफ अगर आप फेस करके खड़े हो जाओगे वो ये क्या है आपका जैसे फॉर एग्जाम्पल इधर सन है और अगर हमें फेस करके खड़ा हो तो ये मीन्स ईस्ट है ठीक है उसके जस्ट बोले वेस्ट है नॉर्थ है साउथ You can find the direction with the help of the sun and the sun rises the east and set in the west. So if you face the sun rising, you are facing east. ठीक है If you face the sun rising, यानी जब आप sun की तरफ face करोगे it means you facing in the east, यानी आप east की तरफ देख रहे हो ठीक है east direction की तरफ face करते हो and west is behind you और just उसके opposite behind portion में क्या होगा west होगा and north is your left and south is your right. ठीक है north is your लेफ्ट साइड में आपका नॉर्थ होगा एंड राइट साइड में साउथ होगा यू कैन इजी फाइंड आउट हाउ डू वी नो द डायरेक्शन ऑफ द मैप अब आपको मैप पे कैसे डायरेक्शन देखना है ऑफ्टन देयर इज एन एरो पॉइंटिंग द नॉर्थ ऑन द मैप ठीक है वहाँ पे पॉइंटिंग एरो होती है जो इस डायरेक्शन कर दी कि जो पोर्शन है जो एरिया है वो हमारा नॉर्थ की तरफ है ठीक है इफ देयर इज नो एरो वी नो दैट नॉर्थ इज एट द टॉप ऑफ द मैप फॉर एग्जाम्पल इस मैप में अगर आपको डायरेक्शन नहीं मिला है कि किधर हमारा नॉर्थ है तो आपको इसमें बहुत कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं बिकॉज हमें ये नहीं समझ में आती मैप का जो टॉप एरिया है फॉर एग्जाम्पल जैसे इंडिया का मैप ले रहे हैं तो यहाँ पे डायरेक्शन अगर एरो से नहीं दिया है तो फिर भी आप इजीली देख सकते हो कि इसका जो टॉप एरिया है ये हमारा नॉर्थ होगा देन साउथ है ठीक है वॉट इज इफ यू आर फेसिंग अ डायरेक्शन दैट इज ए नाइदर नॉर्थ नाइदर ईस्ट बिटवीन बट इन द बिटवीन टू फॉर एग्जाम्पल अगर हम फेस करके खड़े हैं ना ही नॉर्थ की तरफ है ना ही हम ईस्ट की तरफ है हम मिडिल में हैं तो इस डायरेक्शन को हम क्या कहते हैं नॉर्थ ईस्ट ठीक है ये हमारे जो 4 डायरेक्शन मेन है उसकी बात
फॉर एग्जाम्पल हमने अपना फेस जो ना ही ईस्ट में किया है ना ही साउथ में, तो हमारा क्या होगा साउथ ईस्ट। फॉर ऐसे ही यहाँ पे देखेंगे अगर आप मिडिल के ऊपर की तरफ आपने फेस करके इस तरफ आपने फेस करके देखा है तो डायरेक्शन आपका होगा नॉर्थ वेस्ट और सेम है वहाँ पे वेस्ट और साउथ। ठीक है, तो ये हमारे फोर अदर डायरेक्शन हैं। द डायरेक्शन यू आर फेसिंग इज नॉर्थ ईस्ट इज द सेम वे डायरेक्शन बिटवीन द साउथ एंड ईस्ट इज साउथ ईस्ट। एंड कैन यू गेस व्हाट इज द डायरेक्शन बिटवीन नॉर्थ एंड वेस्ट एंड व्हाट इज द डायरेक्शन बिटवीन द साउथ एंड वेस्ट। यहाँ पे क्लियर है कि आप यहाँ पे पहले इंट्री कर लिए, फोर डायरेक्शन ड्रॉ कर लेंगे, उसके बाद में यहाँ पे इंडिकेशन करके इसे पॉइंटेड करके हम मिडिल की डायरेक्शन से उनको भी इंट्री निकाल सकते हैं। अब आइए कंपास। द कंपास इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट शोज अस डायरेक्शन। इट लुक्स लाइक अ वॉच बट इंस्टेड ऑफ हैंड्स इट हैज अ नीडल एंड द रेड एंड ईट ऑफ द नीडल ऑलवेज पॉइंटेड नॉर्थ। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि हमारी जो एयरलाइंस हैं या हमारी जो शिप्स हैं वहाँ पर डायरेक्शन का कोई भी मैटर नहीं होता, तो वहाँ पर कैसे आइडेंटिफाई करते डायरेक्शन की वजह। ठीक है, दे कैन यूज कंपास। ठीक है, कंपास का हेल्प करते हैं उसमें क्या जो रेड नीडल है वो ऑलवेज नॉर्थ की तरफ होती है, तो ईजिली उससे क्या होता है कि जो पायलट्स होते हैं उनको ईजी आइडेंटिफाई हो जाता है कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। नाउ दिस चैप्टर इज फिनिश्ड, वी आर गोइंग टू स्टार्ट बुक वर्क। बुक वर्क क्वेश्चन नंबर बी, पेज नंबर 58, क्वेश्चन नंबर बी, फिल इन द करेक्ट डायरेक्शन एंड थिंक।